सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन मनप्रीत, इट वॉज अ वंडरफुल एफर्ट फ्रॉम योर टीम. जब आप गए थे एंड उस वक्त क्या इस तरह का आप में बिलीव था कि हम मतलब टॉप की टीम्स को हरा के एंड वी कैन गेट द मेडल? यस मैम, एक्चुअली कि ऑनेस्टली कि हमारा एक एम था कि हमें पोडियम फिनिश करना है, और मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज पहले भी होते यही बोला था कि यार हमें इस बार पार्टिसिपेट नहीं है, हमें इस बार पोडियम पे फिनिश करना है, और फाइनली पूरी टीम ने वो पूरा अचीव किया. क्या डिफरेंट रहा, मतलब आप पूरी ओलंपिक साइकिल अगर देखें, आप लोगों को इतनी ज़्यादा मैच प्रैक्टिस अगर बोलें तो वो इतनी नहीं मिली कोविड की वजह से भी, तो व्हाट हैज़ बीन द डिफरेंस पहले की टीम में जो रियो में थी और अभी की टीम में इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग? माइंडसेट एंड टुगेदरनेस, क्योंकि इस बार क्या ये था कि हमारे जो पूरे 33 प्लेयर्स थे, क्योंकि सभी को पता था कि हमें ज़्यादा मैचेस नहीं मिलेंगे खेलने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग अर्जेंटीना गए थे, उसके बाद हमें पता था कि हमें कोई और इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिलेगा ओलंपिक्स के पहले. तो यही था कि हाँ कि हमें इसको ये टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज करके कितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. तो जो लेवल था, प्रैक्टिस लेवल था वहाँ पे बेंगलोर में, जो हमारे 33 प्लेयर थे पूरे, और इतना ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट थी कि हाँ कि यार हमें अपने आप को कैसे बेहतर करना है. तो वो काफ़ी एक अच्छा आई थिंक पॉजिटिव पॉइंट था कि पूरी टीम ने 33 प्लेयर्स ने काफ़ी हार्डवर्क किया कि हाँ कि टीम को अचीव कराने के लिए जो आज हम लोग अचीव किया हुआ है. एक बात बताइए, क्या जो शुरुआत हुई उस बिलीफ की वो अर्जेंटीना के मैच के बाद हुई, द वे यू प्लेड अगेंस्ट अर्जेंटीना, क्या उसके बाद आपको लगा कि यार you know we can really go ahead and win? Actually ki ye shuruaat 2019 se jab hum log ne pro league ke pehle matches khele the 2020 I think ki 20 ke match jo hum log bhuneshwar mein khele the, to wahan pe bhi jo team ka performance tha wo kafi acha tha, kyunki humne fastest goal mara tha world ka ki hum log ne hockey mein, to wo ek kafi ek positive sign tha. Aur holland ko beat karna, australia ko and plus belgium ko, jo world ki best 3 team thi unko beat karna, aur baad mein argentina ko beat karna, to wo ek dikhata tha ki yaar hame kisi bhi team ko beat kar सकते, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. तो वो काफी एक पॉजिटिव साइन रहा हमारे लिए और अच्छा रहा इस ओलंपिक्स में. एग्जैक्टली वो मोमेंट बताइए जब विसल बजी और आपको पता था, क्योंकि वो भी पीछे पड़े हुए थे आपके मैच के अंत तक, नहीं ब्रॉन्ज मेडल मैच में ऐसा लग रहा था ओ नो प्लीज प्लीज बचा लो यार प्लीज अब नहीं. क्या सीरियसली मैडम, जब लास्ट 6 सेकंड थे उनको प्लेंटी काउंट मिला, और उस वक्त माइंड में बस एक ही चल रहा था कि यार ये बॉल गोल के अंदर नहीं जाने देनी है, और पूरी जो प्लेंटी काउंट डिफेंस थी और श्री, हम लोगों ने यही सोचा था कि यार ये हमें कुछ भी हो जाए इस बॉल को रोकना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं कि उसके बाद कुछ भी हो सकता था, किसी को नहीं पता था. बात पता है पोलैंड के खिलाफ क्या हुआ है, बिल्कुल इसीलिए कि हम लोग ये कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, तो हम लोग बस पूरा अपना 100% देने, वही हुआ, टीम ने डिफेंस किया और अच्छे से हम लोग वो जीते. उसके बाद मैं तो ब्लाइंड हो गया था क्योंकि मेरा एक चाइल्ड, मेरा बचपन का ड्रीम था कि यार मुझे टीम को रिप्रेजेंट करना है कंट्री को और वहाँ से मेडल जीतना है, और मेरे डैड का ये ड्रीम था कि, और फाइनली वो अचीव हुआ, बट वो अभी नहीं है. बट इसीलिए कि फाइनली एक मोमेंट, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ उस वक्त, सेलिब्रेशन भी मैं जाके बैठ गया मुझे समझ नहीं आया. बट शाम को बैठे टाइम नहीं ज़्यादा मिला क्योंकि इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा रही थी, पीछे पड़ गया. हाँ बट ये था कि काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और यही था कि हाँ कि पूरा देश हमारे साथ था और उन्होंने हर टाइम हमें सपोर्ट किया, और यही था कि वापस जाके पूरे देशवासियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे. एक जो चीज़ सभी फैंस को देखने को मिली इंडियन टीम के बारे में मनप्रीत, इसकी जैसे शुरुआत में क्या होता था कि अगर आप किसी अच्छी टीम से हार रहे हैं, उन्होंने 2-3 गोल दाग दिए फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर में, तो आप यू नो एज अ टीम इट वॉज डिफिकल्ट टू कम बैक, स्पेशली अगेंस्ट फिजिकल गुड टीम्स. वो इस बार देखा हमने कि भाई यू गाइज डिड नॉट गिव अप, ऐसा लग रहा था कि फिटनेस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, बट ऐसा नहीं था कि यार अगर हम पीछे चल रहे हैं तो वी कांट कम बैक. तो वो जो एक बिलीफ था, वाज दैट आल्सो बिकॉज ऑफ द फिजिकल फिटनेस, द प्राइम फिटनेस दैट यू गाइज आर इन? बिल्कुल मैम, क्योंकि लास्ट अगर प्रो लीग से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लास्ट प्रो लीग में भी 3-1 से पीछे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हम लोगों ने ड्रॉ किया और शूट आउट पे जीते, और इस बार भी जर्मनी के मैच में हमारा ऐसा ही एक माइंड सेट था कि यार ये हमारे पास लास्ट 60 मिनट्स हैं, उसके बाद अगर हम लोग अगर आज अच्छा नहीं खेलेंगे ना, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ हम इसे भी ये रिग्रेट रहेगा यार कि वो लास्ट 60 मिनट अगर हम लोग अच्छा कर देते तो हम लोग आज मेडलिस्ट का हाथे. और उस वक्त यही माइंड सेट था कि हम लोग 3-1 से नीचे भी थे, तो सभी प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, वो यही था कि यार हमें अभी लास्ट विषय तक अभी कुछ नहीं हुआ है कि हमें पहले क्वार्टर है दूसरा क्वार्टर है, कोई बात नहीं यार हम लोग गोल करेंगे और हम लोग कर सकते हैं, ऐसा बिलीव था, और हमें बस सिर्फ अपना एनर्जी लेवल और प्रेशर रखना है उनके ऊपर और हमें जरूर गोल मिलेंगे. और वही हुआ, हमें गोल मिले, हम लोगों ने गोल उतारे, 5-3 हुआ, लास्ट में 5-4 हुआ, और
काफी ड्रामेटिक मैच था बहुत ज्यादा I can tell you it was I was watching it in the mountains कहीं पे जो नेटवर्क मिल रहा था मैं पहाड़ों में बैठ के देख रही थी और मुझे लगा कि wow what a brilliant performance just last thing then in terms of training what is it that you feel yeah okay last training के लिए what is it that you felt you did different in terms of training कि फिटनेस लेवल के ऊपर काफी ध्यान दिया और हम लोगों ने जो ट्रेनिंग था हमारा वो हम लोग आफ्टरनून में करते थे क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे जो वेदर है वो हमारे मैचेस भी दोपहर में रहेंगे और वेदर यहाँ पे गर्मी रहेगी तो इसीलिए कि हम लोग कैसे उसको यूज टू कर सकते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जब बैंगलोर में ट्रेनिंग करते थे तो हम लोग दोपहर में करते थे कि यार हमें जब हम लोग टोक्यो में जाएँ तो वहाँ पे हम लोग अपने वेदर एडजस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हाँ और वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आया थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मैम